नवजोत रंधावा। कल काशी, आज वडनगर और गांधीनगर। वाराणसी में सौगातों की झड़ी लगाने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात को कई तोहफे, कई सौगातें दे रहे हैं। दिल्ली से वर्चुअल प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर के 5-स्टार रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, जहां नीचे स्टेशन और ऊपर 5-स्टार होटल है। एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस ये देश का अपनी तरह का पहला वर्ल्ड क्लास स्टेशन है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी अपने गृहनगर यानी वडनगर के रेलवे स्टेशन को बतौर हेरिटेज रेलवे स्टेशन समर्पित कर रहे हैं। और इन दो बड़े कार्यक्रमों के अलावा गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण, 5-स्टारक होटल, रेलवे अंडरपास, नई रेलगाड़ी के शुभारंभ और विभिन्न रेलवे प्रोजेक्ट्स एवं साइंस सिटी के भिन्न भिन्न पेवेलियन के लोकार्पण अवसर पर आप सबका स्वागत है। हमारा परम सौभाग्य है कि आज इस लोकार्पण अवसर पर हमें प्रेरणा देने वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हैं 125 करोड़ भारतवासियों के हृदयस्थ विकास पुरुष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व गांधीनगर मत क्षेत्र के सांसद एवं भारत सरकार के गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। इस ऐतिहासिक घड़ी के प्रत्यक्ष साक्षी गांधीनगर से बने हैं गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री श्रीमान विजय भाई रूपाणी जी, भारत सरकार के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, उप मुख्यमंत्री गुजरात राज्य श्री नितिन भाई पटेल, भारत सरकार की रेल व कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सी आर पाटिल, सांसद एवं विधायकगण और आमंत्रित अतिथिगण, आप सबका शब्द पुष्प से स्वागत करने आमंत्रित करते हैं गुजरात राज्य के प्रमुख शासन सचिव श्रीमान अनिल मुकिम जी को। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी, आदरणीय रेल व कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोशी, आदरणीय प्रदेश प्रमुख श्री सी आर पाटिल जी, उपस्थित आमंत्रित अतिथिगण, आज गुजरात के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मार्गदर्शन में साकार हुए 8 से अधिक विकास प्रोजेक्ट्स को माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों से लोकार्पण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान गुजरात को वैश्विक विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने का जो संकल्प किया था, उसकी आपूर्ति इन सभी परियोजनाओं के लोकार्पण से हो रही है। ये प्रोजेक्ट्स केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों के श्रेष्ठ मेल एवं समन्वय से और एक दूसरे के पूरक बनकर साकार हुए हैं। मैं इस विविध लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी का स्वागत करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से राज्य में कार्यरत अन्य फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स तथा योजनाओं को भी समय पर पूरा करने के लिए गुजरात प्रशासन प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है। मैं एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सभी महानुभावों का आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय गुजरात। धन्यवाद माननीय श्री अनिल मुकिम जी। गुजरात को आज भारतीय रेल द्वारा एक साथ 5 सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से मिल रही है। इस ऐतिहासिक दिवस की खुशी में हमारे साथ सहभागी हैं भारत सरकार के नवनियुक्त माननीय रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी। आदर से अनुरोध है माननीय रेल मंत्री जी को कि आप इस अवसर पर अपनी प्रसन्नता प्रकट करें। युग पुरुष परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी, रेल एवं कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश जी, वरिष्ठ सांसद एवं गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष श्री पाटिल साहेब, वीडियो लिंक के माध्यम से जुड़े सम्मान्य अतिथिगण, रेलवे के मेरे साथी तथा बहनों एवं भाइयों, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि रेलवे का विस्तार हो, आधुनिक तकनीक आए एवं जनमानस के जीवन में एक परिवर्तन आए जो दिखे, जो लोगों को महसूस हो, इसी संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाना हमारा कर्तव्य है। रेल के विकास से राष्ट्र का विकास हो, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। इसी कड़ी में पिछले 7 वर्षों में रेलवे में कई बदलाव आए, बड़े बदलाव आए। भारत में निर्मित और भारत में डिजाइन वंदे भारत एक्सप्रेस और तेजस ट्रेन जैसी आधुनिक ट्रेन
जो कि आत्मनिर्भर भारत का एक मिसाल बन चुकी है। दुनिया भर में इन ट्रेन का नाम हुआ है। रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने के रास्ते में बहुत सफलता मिली है। इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। विशेषकर कोविड जैसी महामारी के समय में रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस के द्वारा जनता का सारथी बना और गांव गांव तक, घर घर तक ऑक्सीजन पहुंचाई, देश के कोने कोने में ऑक्सीजन पहुंचाई। किसान रेल ने अन्नदाताओं की उपज को खेत से थाली तक पहुंचाया। इसमें मेरे वरिष्ठ मित्र श्री पीयूष जी गोयल जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप और मार्गदर्शन में भारतीय रेल के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जुड़ रहा है। ये जो जिस बिल्डिंग में आज हम अभी बैठे हैं, गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन की ये भव्य इमारत आज भारत के एस्पिरेशंस का जीवंत उदाहरण है, प्रधानमंत्री जी के विजन का मूर्त रूप है। आज मेहसाना वरेठा लाइन को ब्रॉडगेज में कंप्लीट किया गया, इसका भी आज इसका इलेक्ट्रिफिकेशन भी कंप्लीट हुआ है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी इन प्रकल्पों का भी लोकार्पण करेंगे। गांधीनगर कैपिटल से लेकर वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस और गांधीनगर कैपिटल और वरेठा के बीच एक जनता के लिए अति महत्वपूर्ण मेमू सेवा का भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जा रहा है। गुजरात के बहुमुखी विकास के लिए इन प्रकल्पों की प्रमुख भूमिका रहेगी। आज के इस गरिमापूर्ण और ऐतिहासिक समारोह में एक बार फिर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं सभी अतिथिगणों का हृदय से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद माननीय रेल मंत्री जी आपका। पाटनगर गांधीनगर आज से 3.5 दशक पहले रेल सेवा से जुड़ा था। तब प्रारंभिक तौर पर इस स्टेशन पर गांधीनगर के कोयला आधारित विद्युत उत्पादन मथक थर्मल पावर स्टेशन के लिए कोयला लेकर आने वाली माल परिवहन रेल ही आवाजाही करती थी। तत्पश्चात गांधीनगर अहमदाबाद से रेल सेवा से जुड़ा और उसके बाद महाकाल की नगरी उज्जैन से जुड़ी रेल सेवा, तत्पश्चात हरिद्वार प्रयागराज से जुड़ी रेल सेवा प्राप्त हुई और आज गांधीनगर साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन के माध्यम से शिवजी की नगरी व प्रधानमंत्री श्री के निर्वाचन क्षेत्र काशी वाराणसी से जुड़ रहा है। इस अवसर पर गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र के सांसद व भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हैं। अनुरोध करते हैं माननीय गृह मंत्री जी से, आप अपनी प्रसन्नता प्रकट करें। आज के कार्यक्रम में उपस्थित देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, गुजरात राज्यना मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी, हमणा जमने रेलवे नु सुकान संभाळ्युं छे एवा केन्द्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णवजी, गुजरातना उप मुख्यमंत्री श्री नितिनभाई पटेल, केन्द्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शनाबेन जरदोश, भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेशना अध्यक्ष अने सांसद श्री सी आर पाटिल जी, गुजरात सरकार, रेलवे अने रेलवे अने गुजरात सरकार ना संयुक्त एक कॉर्पोरेशन ना सभी सौ कर्मचारी भाइयों, अधिकारी भाइयों बहनों, आजे समग्र गुजरात माटे अने विशेष करी गांधीनगर मतक्षेत्र ना सौ नागरिकों माटे खूब आनंद नो दिवस छे। 35 वर्ष पछी गांधीनगर नी रेलवे स्टेशन नो संपूर्ण कायाकल्प माननीय नरेन्द्र भाई ना हाथे आजे थवा जई रह्यो छे। बहु समय पहला जयरे आ रेलवे स्टेशन नो विचार कर मुकवामां आव्यो, एनु मूर्त स्वरूप बन्यु, स्पेशल पर्पज व्हीकल बन्यु, अने पछी जयरे कंस्ट्रक्शन चालू थयु त्यारे घणा बधा लोकोने लागतुं हतुं के एक प्रकारथी एंजीनियरिंग साहस छे, परंतु आजे ए साहस सफल थई एनु लोकार्पण नरेन्द्र भाई ना हाथे थई रह्यु छे। माननीय वडाप्रधान जयरे गुजरातना मुख्यमंत्री था त्यारे गुजरातमां बधा ज विकासना कामो विश्वस्तरीय थाय ए बाबतमां एमनो आग्रह पण रहेतो, लक्ष्यो पण रहेता था अने आयोजन पण रहेतुं हतुं, अने आजे एना कारणे ज अनेकविध गुजरातनी विकासनी परियोजनाओ विश्वस्तरीय बनी छे अने संपूर्ण विश्वमां नमूनारूप उदाहरणरूप बनी छे। एमां आज आनो उमेरो थवा जई रह्यो छे। गांधीनगर सेंट्रल रेलवे स्टेशन एक प्रकारथी खूब ज बहु उपयोगी प्रोजेक्ट बनवा जई रह्यो छे। एनी साथे साथे वावोल अंडरपास, जेना अंडरपासथी रोज
11,000 થી વધારે ફોર વ્હીલર લગભગ 2.5 કિલોમીટર નું ચક્કર કાટવાની જગ્યાએ એક અંડરપાસ માંથી જ નીકળી પોતાના ગંતવ્ય સ્થાન સુધી જશે. એ અને સાયન્સ સિટીની અંદર 2 ગેલેરી અને 1 નેચર પાર્ક, આ બધાનું જ લોકાર્પણ થવા જઈ રહ્યું છે. સાથે સાથે 2 નવી ટ્રેનો પણ આજે ચાલુ થવા જઈ રહી છે. ગાંધીનગર કેપિટલ રેલવે સ્ટેશનના પુનર્નિર્માણનો પ્રોજેક્ટ લગભગ 800 કરોડ રૂપિયાની લાગતથી પૂરો થયો છે અને એની સાથે સાથે 1 5-સ્ટાર હોટેલ પણ ગાંધીનગરની અંદર ટોટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ટુરિઝમ એને ગતિ આપવા માટે બનાવવામાં આવી છે. મહેસાણા વરેઠા રેલવેના ખંડનું ગેજ પરિવર્તન અને વિદ્યુતીકરણ અને સુરેન્દ્રનગર પીપાવાવ સેક્શનનું વિદ્યુતીકરણ પણ આજે પૂરું થઈ લોકાર્પણ થવા જઈ રહ્યું છે. એની સાથે જ રેલવેએ જે ગેજ પરિવર્તન અને વિદ્યુતીકરણના લક્ષ્ય રાખ્યા છે એ ખૂબ આગળ જશે. રેલવેએ ગુજરાતની અંદર અનેકવિધ પરિયોજનાઓ શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીના પ્રધાનમંત્રી બન્યા પછી પૂરી કરી છે. હમણાં જ દુનિયાના સૌથી ઊંચા સરદાર સાહેબના સ્ટેચ્યુને વિશ્વના માનપટલ પર આવ્યા પછી દેશની મહત્વપૂર્ણ 8 જગ્યાઓ સાથે જોડવાનું કામ રેલવે પૂરું કર્યું અને આજે ગાંધીનગરને બાબા વિશ્વનાથની નગરી વારાણસી સાથે જોડવાનું કામ પણ પૂરું થશે. એની સાથે ગાંધીનગર થી વરેઠાની વચ્ચે એક મેમુ સર્વિસ ટ્રેનની પણ શરૂઆત થશે, જે અવર જવર કરવાવાળા સૌ પેસેન્જરો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી સિદ્ધ થવાની છે. એક એક્વેટિક ગેલેરી અને સાયન્સ સિટીની અંદર રોબોટિક્સ ગેલેરી, આ બંને ગેલેરી સાયન્સની અંદર રૂચિ ધરાવનારા વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થવાની છે. રોબોટિક્સ ગેલેરીની અંદર લગભગ 11,000 વર્ગ મીટરના ક્ષેત્રની અંદર રોબોટિક ઉદ્યોગો અને એના આયામોને ખૂબ રસપ્રદ રીતે નાના બાળકોની સામે રજૂ કરવાનો પ્રયાસ થયો છે. માનવ રોબોટ સંવાદથી લઈ અનેક પ્રકારના કૃષિ, અંતરિક્ષ, રક્ષા અનેક ક્ષેત્રોની અંદર રોબોટના વિવિધ ઉપયોગો ત્યાં બતાવવામાં આવ્યા છે. એમ જ જે એક્વેટિક ગેલેરી છે એની અંદર લગભગ 40 લાખ લીટર પાણી ભરી વેલથી લઈ અનેક પ્રકારના સમુદ્રી જીવોનો એક ગેલેરીની અંદરથી અનુભવ બાળકો કરી શકે અને સમુદ્રની નીચેની પૂરા જગતનું એમની જિજ્ઞાસા સંતોષાય એ પ્રકારનું એક મહત્વપૂર્ણ કામ આજ સાયન્સ સિટીની અંદર થવા જઈ રહ્યું છે. અને એની સાથે લગભગ 8 હેક્ટરમાં 13 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે નેચર પાર્ક પણ આજે પ્રધાનમંત્રીજીના હસ્તે લોકાર્પણ થવાનું છે. એને આગળ પર એક બાયોલોજીકલ પાર્કમાં પણ કન્વર્ટ કરવાની યોજના સાયન્સ સિટીની છે. આ બધા જ કાર્યક્રમો આજે જે શરૂ થવા જઈ રહ્યા છે, લોકાર્પણ થઈ રહ્યું છે, એ બધા જ કાર્યક્રમો મારા માટે બહુ જ સૌભાગ્યની વાત છે કે મારા મતક્ષેત્ર ગાંધીનગરમાં શરૂ થવા જઈ રહ્યા છે. એટલા માટે હું માનનીય વડાપ્રધાનજીનો ખૂબ હૃદયપૂર્વક ગાંધીનગર મતક્ષેત્રના અને ગુજરાતના સૌ મતદારો વતી હૃદયપૂર્વક આભાર માનવા માંગુ છું કે આ 5 સોગાદો તમે જે આપી રહ્યા છો એ ગાંધીનગર મતક્ષેત્રના સૌ મતદારો માટે ખૂબ ઉપયોગી સિદ્ધ થવાની છે અને ગુજરાતના વિકાસમાં એક નવો મિલનો પથ્થર આના દ્વારા આગળ વધવા જઈ રહ્યો છે. એ વખતે ગુજરાત સરકારના સૌ પદાધિકારીઓ સૌને પણ હું હૃદયપૂર્વક આભાર માની મારી વાત પૂરી કરું છું. વંદે માતરમ.